Dang 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 क्या हो? कुछ से झाड़ दिया सनी, इतना चिल्लाता क्यों है? इसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये कि वो बॉस है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये कि मैं चाहता हूं कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना, तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सीरियसली यार, आजकल तो जब भी मुंह खोलता है ना, मेरा दिल करता है कि उसके मुंह में फाइल ठूस दूं। ये जो वर्ड है ना जॉब, ये हैंड और ब्लो के पीछे ही सही लगता है। खाली जॉब का तो मतलब ही होता है द एंड ऑफ योर हैप्पीनेस, द एंड ऑफ योर लाइफ। He's asking me to remember client का बर्थडे, client के बेटे का बर्थडे, बेटे के कुत्ते का बर्थडे, कुत्ते के बेटे का बर्थडे। यहाँ साला खुद का बर्थडे तो याद रहता नहीं है। उसके ड्राइवर की नसबंदी की सेरेमनी भी होगी ना, तो भी he'll take a leave। लेकिन तुम एक बार जाके पूछ के तो देखो कि सर छुट्टी चाहिए, ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे जैसे उसकी वर्जिनिटी मांग ली हो। बहन की शादी के लिए छुट्टी मांगने गया था कि सर 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो पता है क्या बोलता है? बहन की शादी के लिए 2 दिन की छुट्टी? मैंने तो अपनी शादी में भी सिर्फ हाफ डे लिया था। अभी तुझे शादी करने की जरूरत क्या थी? हमारी गांड मारने से दिल नहीं भरता क्या तेरा? कभी ना फोन करके देख लियो कि सर एक्सीडेंट हो गया, सर हाथ कट गया, सर पैरों में फ्रैक्चर है और दिमाग में हैमरेज हो गया है, फिर भी वो बोलेगा देख ले मंथ एंड है, अगर आ सकता है तो आ जा। इन मैनेजरों को ना कोई खुश नहीं रख सकता। अ हैप्पी मैनेजर इज अ मिथ। तुझे क्या लगता है ये जेम्स बॉन्ड जो है अच्छे खासे मिशन के बीच में हॉट बंदियां ढूंढ के सेक्स क्यों करता है? टू रिलीव स्ट्रेस। पता है क्यों? क्योंकि उसके कान में जो ईयरफोन लगा होता है ना, उसमें उसका बॉस भौंकता रहेगा, कहां पहुंचे, क्या कर रहे हो, विलेन को पकड़ा कि नहीं, अरे नहीं 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 कार में मत जाना, दौड़ के पकड़ना, कंपनी रीइंबर्स नहीं करेगी, अरे तुम इतना स्लो क्यों दौड़ रहे हो, तुम्हारी ट्रेनिंग में इतना खर्चा किया है उसका क्या फायदा? अबे वो जेम्स बॉन्ड है यार, राजा रैंचोनी है, पकड़ लेगा वो। एंड यू कैन नेवर हैव एन आर्ग्यूमेंट विद योर बॉस। पता है क्यों? क्योंकि वो तुम्हें कुछ बोलने नहीं देगा, और गलती से बाय चांस अगर तुमने कुछ भी बोल दिया ना, तो ही कैन ऑलवेज से बॉस मैं हूं कि तुम। एंड यू नो व्हाई दे से द बॉस इज ऑलवेज राइट? बिकॉज ही इज गॉट नथिंग लेफ्ट हियर। और सबसे ज्यादा दिमाग की दही तो ना इस सेलफोन ने कर रखी है। साला जहां जाओ उसका फोन आ जाएगा। अब ट्रैफिक में हूं तो भाई फोन नहीं उठा पाया, अब उसको कॉल बैक करूंगा ना तो बुरा मान जाएगा कि हाउ इररिस्पॉन्सिबल, तुम अपने बॉस का फोन भी नहीं उठाते। अब कहां सुनी करने के बाद उससे पूछूंगा कि सर क्या काम था, तो बोलेगा ऑफिस आके बात करते हैं। अबे जब ऑफिस में ही बात करनी तो मुझे फोन क्यों किया? और एक ना इसके दिल में जब आएगा ना तब मेल कर देगा, और उस मेल का रिप्लाई करने में अगर थोड़ा सा भी डिले हो गया ना तो 75 बार सुनाएगा कंपनी ने तुम्हें स्मार्टफोन क्यों दिया है, कंपनी इसीलिए तो स्पेंड करती है ताकि टाइम पे काम हो पाए। अबे मोबाइल फोन इसलिए देते हो ताकि कहीं से भी बैठे बैठे हमारी गांड मार सको, क्योंकि ऑफिस से तुम्हारा पेट भरता नहीं है। सब सलाने ये MBA का फॉल्ट है। ब्लडी बी स्कूल्स, बड़े बड़े एड्स बनाएंगे, एक हॉट बंदी रखेंगे, एक क्यूट बंदा रखेंगे, और टैगलाइन रखेंगे कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, पढ़ो लिखो प्लेसमेंट में गारंटीड जॉब पाओ हैप्पी एंडिंग। इसके बाद की कहानी ना कोई नहीं बताता, इसके बाद की कहानी मैं बताता हूं। इसके बाद अगर लड़का 5 मिनट भी ऑफिस में लेट हो गया ना तो प्रॉब्लम। साला ये कोई नहीं देखता कि पिछले दिन 4 घंटे ओवर टाइम किया था। अगर लड़के से कोई गलती हुई तो उसकी गांड मार लेंगे, और अगर लड़की ने कोई गलती की तो बोलेंगे प्लीज टेक केयर नेक्स्ट टाइम, और वो भी इतने प्यार से बोलेंगे ना कि अगर कोई सुन ले तो उसे डायबिटीज हो जाए। एक तो ये साला प्रेजेंटेशंस खत्म नहीं होते यार इनके। पहले बोलेंगे कि प्रेजेंटेशन बनाओ, फिर बोलेंगे कि फॉन्ट चेंज करो, उसके बाद बोलेंगे कि टेम्पलेट चेंज करो, और सब कुछ होने के बाद बोलेंगे कि इट्स नॉट अबाउट द स्लाइड्स, इट्स द स्पीच दैट मैटर्स। अब ये साला यही करना था तो मेरी गांड में क्यों घुसा हुआ था? PPT में जितने फीचर्स मैंने यूज किए ना, उतने तो खुद बिल गेट्स को भी नहीं पता होंगे। वो खुद तुम्हें एक प्रोजेक्ट असाइन करेगा जो उसको भी पता है कि कम से कम 1 हफ्ते का काम तो है, फिर भी हर 2 घंटे में कॉल करके पूछेगा क्या हुआ, एनी अपडेट्स। साला ऑफिस में चलते फिरते मिल जाएगा ना तो भी पूछ लेगा क्या हुआ, एनी अपडेट्स। अबे आराम से मुंह तक नहीं देता यार, वॉशरूम में भी मिल गया ना तो भी पूछ लेगा क्या हुआ, एनी अपडेट्स। अबे मैं एग्जीक्यूटिव हूं, जावा नहीं कि हर 2 घंटे में अपडेट दूं। अब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप ऑक्यूपाइड हो, और ये उसको पता है, फिर भी बीच में एक और प्रोजेक्ट घुस जाएगा और बोलेगा मिलन आई ट्रस्ट यू दैट्स व्हाई आई एम गिविंग इट टू यू। अब उसकी वजह से मेन प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा तो बोलेगा मिलन यू आर नॉट एफिशिएंट एनीमोर, साला 2 दिन में आई ट्रस्ट यू से यू आर नॉट एफिशिएंट। ये साले ना पूरा साल काम करवा के निचोड़ लेंगे, लेकिन जब अप्रेजल के बारे में बोलोगे तो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कंपनी में इक्विटी मांग ली हो, और फिर क्या होगा, या तो तू नई जॉब ढूंढेगा या फिर स्टार्टअप। ये TVF पिक्चर साला इसीलिए तो हिट हुआ है, यहां देसी पौवा बनने से अच्छा था वहां बियर बन के रहो ना, लेकिन स्टार्टअप करोगे तो घर वालों के 1000 सवाल होंगे, और फिर क्या होगा, तू नई जॉब ढूंढेगा जहां फिर से तुझे एक ऐसा बॉस मिलेगा जो फिर से यही सब चुतियाप करेगा, और फिर तुझे लगेगा कि नहीं शायद पिछले वाला बेटर था, लेकिन नहीं, द फैक्ट इज दैट ऑल बॉसेस आर चुतियास। सर वो छुट्टी वाला दुर्घटना तो हमारे साथ भी हुआ था।
टंग डंग डंग टंग 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 डंग डंग टंग 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 डंग डंग टंग 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 डंग डंग टंग डंग डंग. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, हमारे YouTube चैनल में 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए. ऑल द बेस्ट टू यू. आई डोंट डाई. हां अभी 48,811 ही हुआ. व्हाट, क्या बात कर रहा है? फक, ये करेंगे अच्छे लोग. शाव ने लाल बटन किस लिए रखा है? या मैन, आप हमें बता सकते हैं कि डब्स में से कौन सा गाना करें कमेंट्री में? कौन से गाने पे नेक्स्ट कमेंट्री का एपिसोड? एंड इन फैक्ट अगर आपको कोई भी, आपके पास कोई भी आइडिया है किसी भी वीडियो के लिए, सो यू कैन जस्ट पुट इन द कमेंट्स. मे बी स्क्रीन पर विल मेक अ वीडियो ऑन इट.